तो गाइस रूप हियर एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज अपन जाने वाले हैं टाइटैनिक। देखो मैं पिछले 28 साल से प्लानिंग कर रहा था कि मैं पैसे जमा कर सकूं ताकि मैं टाइटैनिक का टिकट खरीद सकूं, और आज तुम्हारा गरीब बच्चा इतना अमीर हो गया कि वो 200 रुपए का टिकट खरीद सकता है। हाँ टिकट 200 का ही है। पसीना आ गया, पगड़ी खोल देता हूं। हाँ तो बस अभी अपन पदयात्रा चालू करते हैं ताकि सुबह तक तो पहुंच ही जाए। सो लेट्स गो। भाई मैं खुद के घर में चोरों की तरह आता हूं। टीवी पे थोड़ी न्यूज देख के चलते हैं। अगर तुम जा रहे हो टाइटैनिक की यात्रा पे, अगर तुम जा रहे हो तो वहाँ पे मेहरबानी करके कोई लीवर मत खींच देना। मत खींचना मेरे पाप, लीवर मत खींचना। सत्यानाश हो जाएगा पूरे सिक्का। भाई क्या कुछ भी चलता है आजकल न्यूज में, उसको छोड़ो और इसको तोड़ो और लेट्स गो टू टाइटैनिक। 12 seconds later. तो भाई चलते चलते अभी धरती खत्म और पानी चालू हो गया है, और यहाँ पे बोट रखी है और यहाँ पे एरो है, क्योंकि स्क्रिप्ट मैंने ही लिखी है, इसलिए इस बोट पे अपन को बैठ के जाना है और आगे टाइटैनिक मिल जाएगा अपने। लेफ्ट साइड में कुछ चमकता हुआ दिख रहा है मेरे को। ओ भाई साहब ये तो टाइटैनिक है। बहुत बकवास एक्टिंग थी। ओके बोट को यही खड़ी कर देते, पता चले कोई बोट चुरा के ले जाओ। और ये आदमी बोले कि यहाँ ना बोट है ना बाटली है, इसको छोड़ो अपन ऊपर चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक सिनेमैटिक व्यू लेंगे। भाई लगता है ये भी मेरे जैसे गरीब है जो 200 रुपए में आ गए, इससे इतनी ज्यादा भीड़ लगा रखी है यहाँ पे। और भाई साहब हालचाल बढ़िया, सब चंगा सी। मेरे को तो लग रहा है ये टाइटैनिक ओवरलोड होने की वजह से डूब जाएगा। देखो कैसे झुंड बना रखे हैं यहाँ पे। और भाई साहब आप टाइटैनिक वाला पोज कर रहे हो ना, मेरे को भी करना है। हाँ ये कर लो पहले। ओके तो भाई साहब सह सम्मान हटते हुए एक बार अगर मैं इनको धक्का मारूं तो वो भाई तो सच में गिर गया। Meanwhile आज एक और मर गया, एक आदमी टाइटैनिक के ऊपर से कूद के मर गया। ओके तो अब अपन करेगा टाइटैनिक वाला पोज आराम से खड़े। ओके आखिरकार मैं आ गया कि लटक चुका हूँ, टाइटैनिक का पोज कंप्लीट। वाह एक तो भाई यहाँ इतनी भीड़ है ना, चलने की इच्छा ही मर जाती है। अबे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, डूबो पानी में गोते लगाओ। ओ भाई साहब ये भी मर गया। एक नहीं दो, माफ कीजिएगा एक नहीं दो आदमी टपक गए आज। भाई साहब आपकी एक फोटो खींचू। अरे अरे बुरा मत मानो यार, आपकी भी खींच रहा हूँ, इसको तो वॉलपेपर लगाऊंगा। यहाँ पे गड्ढा क्यों खोद रखा है, लेट्स कूदते हैं। भाई साहब लाइन को लगा रखी है। अच्छा पब्लिक वॉशरूम है, ठीक है लगाए रखो। ओके तो ये वाला स्टाफ रूम है, ये मिस्टर चमन चाशनी वाले का, रमेश रामबाण का ये वाला कमरा, चमन चाउमीन का ये वाला, मिस्टर रूप अब ये तो ऊपर नहीं है अपने कमरा है। ओके तो लाइट से अपने कमरा कैसे दिया गया। ओके भाई 200 रुपए के हिसाब से तो तगड़ा कमरा है। यहाँ पे खिड़कियां भी दे रखी है, लेफ्ट साइड में वॉशरूम है। ओके भाई गाने कौन सुनेगा हकते, इस वाले कमरे में अभी गेट कौन बंद कर रहा है मुंह पे। हाँ तो इस वाले कमरे में शायद कैफेटेरिया है, ठीक है। ये कमरा तो खोखला पड़ा है भाई, इसको तोड़ते हैं। इसके नीचे क्या है, वो सफेद कमरा है, ये भी खोखला पड़ा है और नीचे वाला भी खोखला है। भाई इस फ्लोर पे तो सफेदी आई हुई है, सफेदी के आगे उजाला है लेकिन नीचे क्या, नीचे आयरन। ओके तो इस शिप का शायद सबसे नीचे वाला एरिया, और यहाँ पे तेल वेल है, मतलब ये जो पाइप है इनके अंदर तेल दौड़ रहा है। भाई यहाँ पे एक लीवर है, इसको खींच के देखते हैं एक बार। एक सेकंड भाई ये शिप अचानक से हिली क्यों, और ये शिप बार बार झटके क्यों दे रही है। एक सेकंड भाई अब मेरे को ऊपर जाना है। अबे आग कैसे लग गई यहाँ पे, टाइटैनिक में छेद हो गया, पानी आने लग गया। भाई आधी से ज्यादा शिप में आग लग रही है। अबे गांव वालों शिप में आग लग गई, निकल तू यहाँ से, क्या खड़ा है यहाँ पे। वो वाला टाइटैनिक ठंड से डूबा था, ये गर्मी से डूबेगा। भाई मेरे हाथ में जो ये लावा बकेट है ना, ये तो नकली है, ऐसे ही है। चल झूठा। अबे गरीबो तुम क्या है, चाय पी रहे हो, शिप में आग लग गई, भागो यहाँ से। भाई आग बहुत जल्दी फैल रही है, ये शिप जल के राख होने वाली है, सच्चा मैं पानी में कूद जाता हूँ। भाई बस वो एक लीवर खींचने की वजह से ये शिप कैसी हो गई यार। हैव अ नाइस डे, आई मीन बाय बाय टाइटैनिक। वीडियो खत्म।